अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। याकूब मेमन की खबर के इर्द गिर्द लगी एलईडी लाइट्स को मुंबई पुलिस ने हटा दिया। मार्बल टाइल्स, हैलोजन और एलईडी लाइट्स से मजीद खबर की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश होने के बाद की गई कार्रवाई। दिल्ली में IIM ड्रॉप आउट, फैशन डिजाइनर और MBA के तालिबे इल्म समेत 7 अफराद डार्क नेट के जरिए मंशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार। डोर टू डोर सर्विस के लिए बनाया गया था ऐप, इसके अलावा कॉलेज, इंस्टीट्यूट, होटल और पार्टियों में ड्रग्स फरोख्त करने के लिए किए जा रहे थे काम। दिल्ली के बदरपुर में खातून ने फोन स्नैचर से की हाथापाई, वाकया हुआ कैमरे में कैद। प्रवीण नेटारो कत्ल मामला, दक्षिणा कन्नड़ा में SDPI नेशनल सेक्रेटरी रियाज फिरंगी पेट के घर पर NIA की रेड। पार्टी कारकुनों का एहतजाज, बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुन प्रवीण नटारू पर 2 मोटरसाइकिलों ने किया था कातिलाना हमला। महंगाई पर सिर्फ मरकज ही काबू नहीं पा सकती, रियासतों के साथ काम करने के तरीके करने होंगे तलाश, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन का बयान। भारत जोड़ो यात्रा, तमिलनाडु में राहुल गांधी की पद यात्रा, बीजेपी हड़बड़ा गई है, कांग्रेस का रिमार्क। आंध्र प्रदेश के नेलूर में डकैती की कोशिश में चचा ने भतीजी का गला काट दिया। 9वीं जमात की तालिबा हॉस्पिटल में हो रही है सेहतयाब, लड़की के बयान के बाद चचा को कर लिया गया गिरफ्तार। हैदराबाद कुलसुमपुरा में शोहर और बीवी के दरमियान बहस के दौरान बीवी ने शोहर पर डाल दिया गरम तेल, बीवी गिरफ्तार। 45 साल गिरधारी लाल 45% झुलस गया है, उस्मानिया दवाखाने में चल रहा है इलाज। हैदराबाद में नौजवान को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले शख्स को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। 32 साल केबल ऑपरेटर 377 दफा और 506 के तहत हो गया गिरफ्तार, जिनसी तालुकात के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। इसी के साथ ही नाजरीन, न्यूज अपडेट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।